नाखूनों में हड़ताल, युवा बोले कसाई नहीं हम हिंदू हैं। मांस न काटने के चलते कूनों से हटाए जाने पर विरोध प्रदर्शन जारी। खबर कूनो नेशनल पार्क से आ रही है, जहां बड़े बाड़े में चीतों के ट्रैक रूट चेक करने का कार्य कर रहे युवाओं पर मांस काटने का विरोध करने पर नौकरी का संकट मंडरा गया है। इस संकट की मुख्य वजह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जिस तरह देश आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने जो हरकत स्वतंत्र सेनानी मंगल पांडे के साथ की थी, वही हरकत अब श्योपुर में कूनो प्रबंधन चीतों की ट्रैक रूट चेकिंग की नौकरी करने वाले कर्मचारियों के साथ करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पैसे बचाने के चक्कर में कूनो प्रबंधन इन कर्मचारियों को कसाई बनाकर उनसे भैंस, पाड़े और बकरे का मांस कटवाना चाहता है, जबकि इससे कार्य के लिए अलग से स्टाफ की भर्ती की जा सकती है। मगर नहीं, वह तो इन्हीं कर्मचारियों को जबरन कसाई बनाने पर तुले हैं। जब मांस कटाने का विरोध कर्मचारियों द्वारा किया गया तो कूनो प्रबंधन ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। जब फास्ट समाचार की टीम ने नौकरी से निकाले गए इन कर्मचारियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कूनो सेंचुरी में को डॉक्टर लगे हुए हैं, उनकी वजह से हमें हटाया गया है, क्योंकि जो मांस जानवरों के लिए आता है उनमें से ही डॉक्टर भी मांस खाते हैं और सड़ा मांस हमसे उठवाना चाहते हैं। हम हिंदू हैं, हम यह काम नहीं कर सकते हैं। ना तो आज तक हमारी वेतन बढ़ाई गई है और ना ही हमारा कोई बीमा है, और अब तो हमसे मांस कटवाने की शर्त रखी जा रही है, जिसे हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। देखिए कूनो नेशनल पार्क से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। ये कहना है कि हम मतलब फर्स्ट में ट्रैकिंग करने गए थे वहाँ पालपुर पश्चिम में, तो हमसे मतलब ट्रैकिंग करी हमने एक साल, तो अब बोल रहे हैं अभी कि तुमको मतलब मांस काटना पड़ेगा और तुमको बकरा काटना पड़ेगा और तुमको मतलब ये सब का सारा काम मतलब तुमको ही करना पड़ेगा। इसलिए हम इस काम में मतलब नहीं थे, इस काम में हमने मना कर दी थी, तो इसलिए हम मतलब इस काम को तुम करना नहीं चाहती, इसलिए तुम भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ, तो इसलिए हम वहाँ से ही भाग जाए। अच्छा, आपको मांस काटने पर मजबूर किया है? जी बिल्कुल, मांस काटने पर मजबूर किया गया है, क्या कि जीव हत्या हम कर नहीं सकते, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। हम यादव हैं तो ये काम कैसे कर सकते हैं, आप बताइए हमें। हम क्या कोई भी बंदा, ये इतने ट्रैकर हैं, इनमें से कोई भी इस काम को नहीं कर सकता है। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, हम इसलिए नहीं करेंगे। हम यादव गुर्जर भाई हैं और क्या कहते हैं, हमने ये काम कभी किया ही नहीं है, जीवन तक किया नहीं है, एकदम कैसे कर सकते हैं इस काम को। हम कसाई थोड़ी है, इस काम को करेंगे भाई, कसाई थोड़ी है। आप कर सकती है, प्रशासन कर सकती है, कौन कर सकता है इसको, हम कर ही नहीं सकते इस काम। और जैसे कि रही बात काम की, ट्रैकिंग की, वो तो हम लगातार एक साल से करते ही आ रहे हैं। अब उनका कहना ये है कि आप ट्रैकिंग के साथ साथ ये काम भी करो, आप बताइए, एक साल पहले भी किया इस काम को, हम कर रहे थे हैं? जो लड़के पहले लगाए थे उन्हीं को लगाओ, डॉक्टर लोगों की वजह से भगाए गए हैं हम वहाँ से, अधिकारी लोगों की वजह से, कोई गलती नहीं है इसमें अधिकारियों की, ओनली डॉक्टर साहबों ने भगाया है हमको। डॉक्टर साहब मतलब जो मांस एनिमलों के लिए आता है उसमें से खुद खाते हैं और एनिमल को कमाते हैं, मांस को सड़ा भूसा मांस और हम पे उठवाते हैं। हम इस काम को बिल्कुल नहीं करेंगे, और हमारी सुरक्षा की बात आई तो हमारा बीमा नहीं, कुछ नहीं, अभी हम कहीं भी निकल जाए, पूछा कौन सब ट्रैकर है, क्या प्रूफ है, अब बताइए हम क्या प्रूफ दें उनके लिए। हमारी जो तनख्वाह आती है उसका पीएफ भी नहीं कटता है और इनके सबके पीएफ कटते हैं, ये कौन सी बात हुई, बताइए आप हमें। हमारा ऑब्जेक्शन ये है, हम ये चाह रहे हैं कि पहली बात तो हमारी तनख्वाह बढ़ाई दी जाए, सुनिएगा, और दूसरी बात हमारा बीमा बना दिया जाए, और तीसरी बात हमारा आइडेंटिटी कार्ड एक होना भी चाहिए, अगर इमरजेंसी के लिए कहीं भी आते हैं तो हमें पुलिस वाले रोक देते हैं, कहाँ से तुम सर, हम ट्रैकर हैं, क्या ट्रैकर होता है, हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं, पहचान ही नहीं, मजदूरों की तरह लगे हैं ये, कोई गांव जो राशन वगैरह ले भी जाते हैं करने के लिए, तो वहाँ मतलब हम जो गेट पे आती है तो मतलब मना करती हैं, तुमको मतलब पर्ची लानी पड़ेगी, तो वे पर्ची नहीं देते हैं, पर्ची ले आते तो कर्न देते हैं गेट पास, हमारे कोई आइडेंटिटी कार्ड कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रूफ नहीं हमारा। हम ट्रैकरी का काम कर रहे हैं तो हम भी तो स्टाफ में ही आते हैं ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, जो वन रक्षक हैं उनकी वैल्यू है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी चौकीदारों जैसी वैल्यू नहीं है।